हम बिहार के लोग हैं, बिहार के वो लोग जो बिहार में नहीं रहते। हम रहते हैं बड़े शहरों के 10x10 के कमरों में, बैंगलोर पुणे के किसी कॉरपोरेट क्यूबिकल में, कोटा मुखर्जी नगर के किसी कोचिंग में, कहीं स्टूडेंट बनकर, कहीं मजदूर, कहीं कॉरपोरेट एम्प्लॉय बनकर। हमें से कुछ घर पर पैसे भेजते हैं तो कुछ के घरों से पैसे आते हैं, मकान का किराया, महीने का खर्च, भेजते भेजते कई बार माँ के जेवर, गांव की जमीन और घर तक बिक जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर हमारा बिहार बदल रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, पटना में सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रोजगार के नाम पर फूड स्टॉल्स और कैफेज खुल रहे हैं। अभी कुछ दिनों में छठ पर्व आएगा और हमें घर बुलाने की मुहिम शुरू होगी, #homecalling, #biharcalling। पर अब तक कोई मुहिम इस बात के लिए नहीं चलती कि जो कॉरपोरेट नौकरियां हमें बिहार से दूर रहकर करनी पड़ती हैं वो काश हमें बिहार में मिल जाती। जिस शिक्षा के लिए पूर्णिया, मधुबनी, भागलपुर से बच्चे 10वीं के बाद ही घर छोड़ दिया करते हैं, वो उन्हें उनके ज़िले में मिल जाती। काश हमें दिवाली और छठ के बीच किसी एक छुट्टी को चुनना नहीं पड़ता। काश हमारे माँ बाप हर रोज़ हमारा चेहरा देख पाते। अब जो सवाल उठाते हैं उन्हें बिहार का इतिहास बताया जाता है। गर्व है हमें अपने इतिहास पर, अपनी परंपराओं पर, top 5 में जगह बनाते हमारे IAS अफसरों पर। और गर्व से हम कहते हैं कि हाँ, हम एक बिहारी हैं। लेकिन क्या इससे बिहार बदल जाता है? क्या इससे ये सच बदल जाता है कि इतने सालों के बाद भी बिहार के बच्चों का पलायन रुक नहीं सका?